नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे हम नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो बिजनेस आइडिया जो आपको ग्रो करने में आपकी मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो वीडियोज़ की डिमांड होती है वो भी हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, और कुछ क्वेरीज जो हमें आई होती है वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो आज जिस बिज़नेस की हम बात करेंगे वो है किराना स्टोर का बिज़नेस। हम सब जानते हैं कि किराना स्टोर एसेंशियल्स में आता है, क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी माहौल हो, इवन कि अब कोरोना है, लेकिन हाँ, किराना स्टोर बंद नहीं है, लॉकडाउन में भी वो खुले हैं, क्योंकि वो एसेंशियल्स की कैटेगरी में आता है। तो किराना स्टोर का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या बारीकियाँ हैं इस बिज़नेस पर, वो हम आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर का बटन दबाइएगा, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ चाहिए आपको किराना स्टोर खोलने के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि किस तरह के वीडियोस आपको बिजनेस को लेकर और देखने हैं। तो चलिए आज बात करेंगे किराना स्टोर की, वही किराना स्टोर जो आपके घर के आसपास भी होगा। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। किराना स्टोर खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आपको सबसे पहले एक दुकान की जरूरत पड़ती है, और एक सामान के भंडार के लिए गोदाम की। यदि आप शुरुआत में कम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप गोदाम के बिना भी काम चला सकते हैं। इसके बाद कुछ फर्नीचर का काम कराना जरूरी है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स को सही से जमा पाएं। इसके अलावा आपको कस्टमर के लिए टेबल, अपने लिए काउंटर, फर्नीचर आदि की आवश्यकता पड़ती है। दुकान सही से व्यवस्थित हो जाने के बाद आपको किराना स्टोर के लिए सामान खरीदने की जरूरत पड़ेगी जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। किन किन लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है? यदि आप अपनी बड़ी किराने की दुकान खोल रहे हैं तो आपको GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इसको आप गवर्नमेंट की GST के आधिकारिक वेबसाइट पर करवा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, पैन नंबर, आपकी कोई ID एड्रेस प्रूफ आदि। अगर आप छोटी दुकान खोल रहे हैं तो शुरुआत में आप बिना GST के रजिस्ट्रेशन के भी चला सकते हैं। GST के अलावा एक और रजिस्ट्रेशन होता है FSSAI रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किराना स्टोर के लिए माल कहाँ से खरीदें? जब आप अपनी दुकान खोल देते हैं तो उसके पहले ही आपको इस बात का इंतज़ाम कर लेना चाहिए कि आपकी दुकान में सामान कहाँ से और कैसे आएगा। किराना स्टोर के लिए माल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें स्मार्टनेस होनी चाहिए। आप किराना स्टोर के लिए माल होलसेल विक्रेता से, आपके नज़दीकी बाज़ार से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये हर शहर में होता है। एक बार जब ये संबंध बन जाते हैं, उसके बाद वो खुद ही आपके पास सामान का ऑर्डर लेने के लिए आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ स्मार्टनेस की बात चल रही है तो ये जानना ज़रूरी है कि आप कई सारे प्रोडक्ट बहुत से सस्ते रेट में ले सकते हैं। जैसे आप मसाला बेचते हैं तो आप किस मसाला कंपनी से खरीद सकते हैं। यदि आप घी बेच रहे हैं तो आप गाँव में संपर्क कर अच्छा और सस्ता घी प्राप्त कर सकते हैं। किराना की दुकान खोलने में कितना लगेगा खर्च? किराना दुकान खोलने में कितना खर्च आप लगाना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। अगर दुकान की जगह आपकी निजी जगह है तो आपको कोई किराया नहीं देना होगा, और आपका खर्च केवल सामान खरीदने और फर्नीचर लेने में आएगा। यदि आप किसी दूसरी दुकान किराए पर लेकर अपनी दुकान खोलते हैं तो आपको किराया देना होगा। किराए की कीमत हर जगह अलग अलग होती है। यदि आप बड़े शहर में दुकान खोल रहे हैं तो यहाँ किराए की कीमत ज़्यादा होगी, और यदि आप गाँव में दुकान खोल रहे हैं तो यहाँ किराए की कीमत बहुत कम होगी। दुकान खोलने से पहले जगह के किराए की कीमत पता कर लें। आपके दुकान में किराया 2000 प्रति महीने से 20000 प्रति महीने तक हो सकता है। किराए के अलावा फर्नीचर बनवाना होगा। फर्नीचर हमको केवल एक ही बार बनवाना होगा, और सामान रखने के लिए अलमारी बनवानी होगी। इसका खर्च लगभग 20 से 40000 के बीच आ जाता है, और 10000 से कम भी आ सकता है। सामान खरीदने की बात है तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। आप कम से कम 20 से 50000 का सामान लाकर एक छोटी दुकान शुरू कर सकते हैं। यदि आप एक बड़ी दुकान खोलते हैं तो आपको 1 से 5 लाख के बीच सामान अपनी दुकान में रख सकते हैं। यदि आप एक छोटी किराना की दुकान खोलते हैं, आपको 50000 से 1 लाख के बीच खर्च करना पड़ सकता है। यदि आप बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं तो आप 1 लाख से ज्यादा जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। किराने की दुकान से कितना होगा फायदा? किराने की दुकान से अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। शुरुआत में आपको थोड़ा सब्र करना होगा। दुकान में आपको शुरू में ज़्यादा फायदा नहीं दिखेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त निकलेगा, अगले 4 से 5 महीने बाद आपको बहुत अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसमें आपको लगभग 20 से 40% फायदा तो हो ही जाएगा। जैसे जैसे आपकी दुकान चलने लगेगी, आपका फायदा और बढ़ता जाएगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा दुकान बंद ना रखें, क्योंकि जितने ज़्यादा समय तक आपकी दुकान खुली रहेगी उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि आपकी दुकान की बिक्री हो।
तो देखा आपने कि किस तरह से किराना स्टोर का बिजनेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना पैसा खर्च करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कुछ लिमिटेशंस हैं वो आपको इस वीडियो के पता चल गई होंगी, और पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि हर बिजनेस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपने काम शुरू किया है और बस चुटकियों में आपको ग्राहक मिलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आपको अपनी USP क्या बनानी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।